Welcome to my channel, my achievers. This is your Purthi ma'am, and now in this video we will discuss about the PYQ 2022 to 2011 biological classification chapter 2 and class 11. You can also join my telegram, also given in the description box, and follow me on the Instagram. So let's get started. So NEET 2022 ka pehla question hai, yahan par match the following karna hai. So yahan par list 1 में दिया हुआ है पक्सिनिया, इट इज़ अ फंगस एंड इट कॉजेज द वीट रस्ट. देन न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्या कॉज करता है, ये भी एक फंगस है एंड इट इसका जो यूज़ है दैट इज द बायोकेमिकल एंड द जेनेटिक वर्क में इसका काम होता है. देन सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट क्या करते हैं, दे फीड ऑन ऑलवेज अ डेड सबस्ट्रेट. एंड अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो क्या है, फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है. नीट इट इज़ द पैरासिटिक फंगस ऑन द मस्टर्ड. सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंजाई विच डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर फंजाई अमंग द फॉलोइंग. यहाँ पर ऑड मैन आउट यहाँ पर हमें बताना है, विच डू नॉट बिलोंग टू द अदर ग्रुप ऑफ फंजाई. तो सैक फंजाई, पफ बॉल, मशरूम्स एंड ब्रैकेट फंजाई. सो पफ बॉल, मशरूम एंड द ब्रैकेट फंजाई, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिडियोमाइसिटिस. जबकि सैक फंजाई किसका एग्जाम्पल है, एस्कोमाइसिटिस. तो द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आरएच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन. एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों ही ऑप्शन जो है ना वहाँ पे उस चार्ट में, एनसीईआरटी के चार्ट में दिए गए हैं. बट द मोस्ट पॉसिबल बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एकदम दिया गया है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो वेरी क्लियर. देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेलुलर है, ऑर्गेनल लेवल का है, तो बेस्ट ऑप्शन इज द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप. मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है, तो आंसर इज द मोनेरा. नेक्स्ट, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लाइमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, एक्चुअल में क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरेला तो किसके एग्जाम्पल हैं, ये है एग्जाम्पल है एल्गी के, लेकिन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पूछा गया है. तो हियर द आंसर इज प्रोटिस्टा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कंसिडर किया था. नेक्स्ट, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्की एंड द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज. तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन, यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में रखते हैं, तो ऑब्वियसली द आंसर हो जाएगा हमारा मोनेरा. नेक्स्ट, इन द फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज, मेन बेसिस क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन का, ऑब्वियसली द नो द राइट आंसर इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ही फोकस किया गया था. नेक्स्ट, इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथानोजेनिक आर्की बैक्टीरिया. तो यहाँ पर अगेन एक बार ग्रुप पूछा गया है जिसमें ये तीनों BGA, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथानोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को रखा गया, तो अगेन हमारा आंसर आ जाएगा मोनेरा. नेक्स्ट, द ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स. तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये आएगा किस में, ये आएगा हमारा प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है. नेक्स्ट, एंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर पूछा गया है मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, रिजेंबलेंस इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स, ब्रीडिंग हैबिट्स और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड. तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स, क्योंकि मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ना कि आर्टिफिशियल, हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया है. नेक्स्ट, इज द मैच द ऑर्गेनिज्म इन द कॉलम 1 विद हैबिटेट्स इन द कॉलम 2. तो यहाँ पर जो हैलोफाइल्स हैं यानी कि सॉल्टी एरिया में जो ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं, हैलोफाइल्स. देन थर्मो एसिडोफाइल्स, ये क्या है, हॉट स्प्रिंग्स में यहाँ पर पाए जाते हैं. मिथानोजेंस, ये मिथानोजेंस मतलब ये मिथेन को, मिथेन गैस को प्रोडक्ट करते हैं, और कहाँ मिलते हैं हमें, गट्स ऑफ द रूमिनेंट. एंड देन साइनोबैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे हमें? एक्वाटिक एनवायरनमेंट। तो हियर द राइट आंसर इज कि ऑप्शन नंबर 1 ए, यानी कि ए का हो जाएगा 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन? एक बार फिर से यहाँ पर हैलो फाइल्स की बात की गई है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा आर्किबैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? तो ये किसकी बात हो रही है? माइकोप्लाज्मा की। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। देन दे कॉज डिजीजेस टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे आर एनारोबिक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट प्रोवाइड द स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? यहाँ पर बैक्टीरिया सेल यानी कि जो बैक्टीरिया की जो पहला लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, और किसी किसी में उसका एनवलप भी होता है जो कि स्टिकी नेचर का होता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ द ग्लाइको कैलिक्स। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, यानी कि कुछ चिपचिपा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। रेप्लिकेशन कैसे होता है बैक्टीरिया में? विद इन न्यूक्लियोलस प्रायर टू फ्यूजन, जस्ट बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन और ड्यूरिंग द एस फेज। देखो ए माइटोसिस होती, माइटोसिस तो होती ही नहीं है, इसलिए ड्यूरिंग एस फेज तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। न्यूक्लियोलस में तो आरएनए का प्रोडक्शन होता है, इसलिए वो भी रॉन्ग हो जाएगा। सो हेयर यहाँ पर रेप्लिकेशन क्या, यहाँ पर फ्यूजन होता है, तो द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ प्रायर टू फ्यूजन। नेक्स्ट, मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस किसको बिलोंग करते हैं? वेरी सिंपल, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। तो ये जो किसकी बात की जा रही है, मिथेनोजेंस की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमें मिलता है? बायोगैस, और बायोगैस का मेन कॉम्पोनेंट क्या हो गया है? मिथेन गैस, और इसमें हाइड्रोजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, तो यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है कि आर्की बैक्टीरिया किससे डिफर होते हैं? सेल वॉल से, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर वो इथर बॉन्ड होता है। Which of the following are likely to be present in the deep sea water? Deep sea water में कौन सा यहाँ पर present होगा? तो the answer is blue green algae, saprophytic algae, bacteria या फिर archaea bacteria। तो answer is the archaea bacteria। Next, the pigment containing membranous extension in some cyanobacteria are, तो very simple, pigment की बात हो रही है, तो यहाँ पर cyanobacteria में वो membranous extension कौन से होते हैं? तो answer is यहाँ पर आ जाएगा क्रोमैटोफोर। अगर ये बैक्टीरिया का अगर ये डायग्राम हम देखें, तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन का इमेजिनेशन होता है, और यहीं पर पिगमेंट्स यहाँ पर फिल रहता है, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्रोमैटोफोर्स। नेक्स्ट, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वन कैरेक्टराइज्ड एज। तो देखो ये मिल्क की बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि रॉ मटेरियल क्या हुआ यहाँ पर? मिल्क हुआ, और ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। नेक्स्ट, इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कॉम्पोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम और सेल वॉल। तो राइट आंसर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में भी होता है और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। नेक्स्ट, सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट्स बिलोंग टू द टू ग्रुप्स, तो ये किस में हो सकते हैं? देखो आर्की बैक्टीरिया तो होगा ही, सो द राइट ऑप्शन इज द यू बैक्टीरिया एंड द आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर पूछा गया है। देन पहला है हमारा मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मिथेन इन द मार्शी एरिया, सो यस
इट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉस्टॉक इज द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्युलोज फ्रॉम ग्लूकोज। तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देन माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस। सो हेयर द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई अ स्पीसीज। ये किससे कॉज होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। सो द आंसर इज द ज़ैंथोमोनास। नेक्स्ट थर्मोकोकस मिथैनोकोकस एंड द मिथैनो बैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लेट अस सी द ऑप्शंस। तो यहाँ पर ए बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड बट विच हैव अ साइटोस्केलेटन एज वेल एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है आर्की बैक्टीरिया में। सो दिस इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट बैक्टीरिया दैट कंटेन अ साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम्स। आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस विद द यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स। तो यस दिस इज द राइट आंसर क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं थर्मोकोकस मिथैनोकोकस एंड द मिथैनो बैक्टीरिया में क्या है आर्की बैक्टीरिया और इनमें जो क्या पाया जाता है हिस्टोन्स और यूकैरियोटिक हिस्टोन्स को वो रिजेंबल करते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बैक्टीरिया आर्की एंड द यूकैरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आर्की बैक्टीरिया के बारे में एक बार फिर से बात की गई है। 3 डोमेन्स बताए गए हैं बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया एंड द यूकैरियोट। सो लेट अस सी द ऑप्शंस। आर्की बैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। आर्की बैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। आर्की रिजेंबल यूकैरियोट्स इन ऑल रेस्पेक्ट। आर्की हैव सम नॉवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। सो ऑब्वियसली दिस इज द राइट आंसर। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट में भी नहीं होते हैं और यूकैरियोट्स में भी नहीं होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइकोप्लाज्मा की बात की गई है और यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। दे आर प्लियोमॉर्फिक। यस ये होते हैं करेक्ट स्टेटमेंट है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। इसमें याद रखो कि PPLO माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है एब्सेंट होती है। सो यहाँ पर पेनिसिलिन तो हो ही नहीं सकता सेंसिटिव क्योंकि पेनिसिलिन किस पर वर्क करती है सेल वॉल पर। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। देन दे कॉज डिजीजेस टू प्लांट। यस प्लांट एंड एनिमल दोनों करते हैं इफेक्ट और ये इसको क्या कहते हैं PPLO। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्यूरिंग ऑफ द टी लीफ इज ब्रॉट अबाउट द एक्टिविटी ऑफ। क्यूरिंग ऑफ द टी लीफ किससे किया जाता है बैक्टीरिया से। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटिस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरिया फ्रेंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रेंकिया। यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंकिया की बात करें तो ये जो है वो नॉन लेगमिनस प्लांट्स को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पर लेट अस सी द ऑप्शंस। कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल ऑन मेनी प्लांट स्पीसीज एंड कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज वेसिकल्स इन विच द नाइट्रोजनेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीजन बायोकेमिकल बैरियर इन्वॉल्विंग ट्राई टर्पीन एंड होपेनॉइड्स लाइक राइजोबियम। इट एक्चुअली इन्फेक्ट्स द होस्ट प्लांट थ्रू द रूट हेयर डिफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट द सेल प्रोलिफरेशन इन द होस्ट कॉर्टेक्स। तो ये जो फ्रेंकिया है ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कि इट कैन फिक्स द नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट। एक्चुअली ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है विद द नॉन लेगमिनस प्लांट्स। सो दिस इज द राइट आंसर। फॉर द रेटिंग ऑफ जूट फर्मेंटिंग माइक्रोब इज यूज। तो यहाँ पर रेटिंग ऑफ जूस करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं तो आंसर इज द ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स के यहाँ पर पूछा गया है डेफिनेशन ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेराइन सेडिमेंट अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड रेडिली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर एंड रिच इन एनी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ बेरियम ग्रो स्लोली इन द हाईली अल्कलाइन फ्रोजन लेक एट हाई ऑल्टीट्यूड। तो एक्चुअल में जो बेसोफिलिक प्रोकैरियोट है वो क्या होते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में ग्रो करते हैं यानी कि उसका जो पीएच होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पर
तो आंसर आ जाएगा हमारा ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द डीप मेराइन सेडिमेंट्स। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाता है करेक्ट? ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स ऑफ वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय थ्रू द वायरस, ट्रांसफर द जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय द कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम द मदर सेल, बैक्टीरिया ऑब्टेन डीएनए फ्रॉम द अदर सोर्स। तो वेरी सिंपल था, यहाँ पर ट्रांसडक्शन की बात की गई, यानी कि वायरस यहाँ पर इन्फेक्ट होता है, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू द वायरस, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन बैक्टीरिया द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, यस तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो उसको क्या कह देते हैं, प्लाज्मिड। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉफ, क्रीमो ऑटोट्रॉफ, सैप्रोजोइक और कॉप्रो हेट्रोट्रॉफ। यहाँ पर देखो ये पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं उससे वो अपनी एनर्जी यहाँ पर ले रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ। विच वॉट इज ट्रू फॉर द आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ऑल हेलोफाइल्स, ऑल फोटोसिंथेटिक, ऑल फॉसिल्स और ओल्डेस्ट लिविंग बींग, सो दिस इज द राइट आंसर, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स। इन ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, ये किसके डिफरेंस होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, तो वेरी सिंपल, ये जो डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल। यहाँ पर जो ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल जो होती है ना वो पेप्टिडो ग्लाइकन की, तो दोनों में होती है, बट इट इज़ थिक। और नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस थ्रू, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो वायरस के थ्रू वहाँ पर होता है, तो बैक्टीरिया फेज रिलीज्ड फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन, तो दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन है, देन फिजिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं होता, कॉन्जुगेशन भी नहीं होता है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। अ बैक्टीरिया डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स इफ ए कल्चर कंटेनिंग 105 सेल्स पर ml इज ग्रोन फॉर 175 मिनट्स, वॉट विल बी द सेल कॉन्सेंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 2n अगर ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आफ्टर 175 कितनी यहाँ पर साइकिल हो जाएगी, 175 डिवाइडेड बाई 35, तो आंसर आ जाएगा 5। अगर हम अपने फॉर्मूले में पुट अप करते हैं तो 2 to the power 5, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा यानी कि 32 × 10^5 सेल्स, दिस इज द राइट आंसर। द डीएनए ऑफ द ई कोलाई इज, ई कोलाई का जो डीएनए है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड एंड लीनियर एंड सिंगल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, सो द आंसर इज द डबल स्टैंडर्ड एंड द सर्कुलर। द मेन रोल ऑफ द बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व, सबसे ज़्यादा मेन रोल कार्बन साइकिल में क्या हो जाएगा, कीमोसिंथेसिस, डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फोटोसिंथेसिस और एसिमुलेशन ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड, सो दिस इज द राइट आंसर, डाइजेशन एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इफ़ यू ऑर्गेनिजम्स आर known to grow and multiply at a temperature of 100 to 105 degree centigrade, they belong to, यानी कि जो बैक्टीरिया बहुत ही हाई डिग्री टेम्परेचर में ग्रो करते हैं उनका यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है, तो वेरी यहाँ पर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, सो यहाँ पर द राइट आंसर इज द थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द हेरिडिटरी मटीरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई, अभी हम लोग डिस्कस किया, दैट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और सर्कुलर होता है। नो नेक्स्ट इज द एजिटोबैक्टर एंड द बैसिलस पॉलीमिक्स आर द एग्जांपल ऑफ, तो ये जो एजिटोबैक्टर है एक्चुअल में ये जो है वो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नहीं है, सिम्बायोसिस शो नहीं करता है और ये फ्री लिविंग है, तो ये फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वॉट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन द सम बैक्टीरिया, सब कुछ बैक्टीरिया में सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, तो वेरी सिंपल द सेक्स प्लाय। Which type of the DNA is found in the bacteria? Again, एक बार फिर से आया है क्वेश्चन, तो ये जो होता है वो सर्कुलर फ्री DNA, membrane bound DNA, स्ट्रेट DNA और हेलिकल DNA। सो यर द राइट आंसर इज द सर्कुलर फ्री DNA। A large number of the organic compound that can be decomposed by, ये जो है किससे डिकम्पोज हो सकता है, तो यहाँ पर एसिडोबैक्टर, माइकोप्लाज्मा, कीमोलिथोट्रॉप और द स्यूडोमोनास,
तो यहाँ पर जो सीडोमोनास है ये क्या है, डिकम्पोजर की तरह से एक्ट करता है. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी अकर इन द थर्मल स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग. द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दिस एल्गा हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सर्वाइव क्यों इसलिए वो सर्वाइव करते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ द होमोलोगर बॉन्ड इन देयर प्रोटीन. सो दिस इज द राइट आंसर. द ऑर्गेनिजम्स विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ. तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं वो किस में किस कैटेगरी में आएंगे, बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, सॉइल फंजाई और मॉसेस. तो वेरी सिंपल, बैक्टीरिया. नेक्स्ट, ट्रांसडक्शन इन द बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय. ट्रांसडक्शन, एक बार फिर से यहाँ पर वायरस की बात की गई है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा फेज वेक्टर्स. नेक्स्ट इज द जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनोन्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ. यहाँ पर जो उसका डीएनए, जो उसका क्रोमोसोमल मटेरियल है उसके बारे में बात की गई है. तो दिस इज अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. ई कोलाई इज एक्सटेंसिवली यूज इन द बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज. ई कोलाई को हम लोग को यूज करते हैं यहाँ पर रिसर्च में क्योंकि वो इजीली कल्चर हो जाता है. दिस इज द राइट आंसर. बैक्टीरिया लैक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज, यहाँ पर लैक करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइदर सिंगैमी नॉर रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पर दोनों ही नहीं होता है. तो एक्चुअल में ये जो होता है ये हमारा राइट ऑप्शन है क्योंकि दिस इज द बेस्ट रीज़न, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ जनरेशन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है. नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, यानी कि जो सन से एनर्जी अपना नहीं डिराइव कर पाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. क्योंकि ये जो होते हैं वो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे अपनी एनर्जी लेते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव रिसाइड इन देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन. विच वन बिलोंग टू द मोनेरा. तो यहाँ पर अमीबा, इस्चीरिया, जिलीडियम और स्पायरोगायरा. सो द इस्चीरिया कोलाई, दिस इज द बैक्टीरिया एंड द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, इट इज़ द किंगडम प्रोटिस्टा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन. चीफ प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं यहाँ पर, डाई एटम्स. नेक्स्ट, द सीलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स इन हैविंग यूजुअली यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड हैविंग टू टाइप ऑफ द न्यूक्लियाई. सो दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि सीलिया के पास फॉर एग्जाम्पल पैराशमीशियम, उनके पास दो तरह का न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियाई एंड द मैक्रो न्यूक्लियाई. नेक्स्ट, बिलोंग्स टू द क्लास, ये किसको बिलोंग करता है, तो ट्रिपैनोसोमा बिलोंग टू द सीलिया. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन. एंड फॉर मोर वीडियोज़ please do write in the comment section. Thank you.